ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2011 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਅੱਜ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਇਲੀਸ ਬਿੱਟੂ ਹੈ। ਉਹ FIA ਨੰਬਰ 33/2011 की FIR उसका अक्यूज़ है। उसके खिलाफ एलिगेशन है कि उसने एक PRTC की बस थी और उसके साथ 200 से 300 बंदे थे। इनका मोब ने पहले तो जाम लगाया वहाँ पे कोटपुरा बाईपास पर, फिर उन्होंने उस बस को जलाया, PRTC की बस को रोक के उसको जला दिया। पास ही उसके धवन पैलेस है जहाँ पे उन्होंने प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी थी, उनको भी उन्होंने तोड़फोड़ की, पैलेस की तोड़फोड़ की। और ये मेन इसकी आज इसलिए पेश किया था कि इससे कुछ हो, बाकी जो इनके साथ और भी दोषी हैं उनके बारे में पता करना था कि इनके साथ कौन थे वो, यानी ये 2011 के और अक्यूज़ है, अभी पकड़ा गया जो। और ये महेंद्रपाल बिट्टू कौन है? ये मेरी जो नॉलेज में जो मुझे बताया गया, ये डेरा प्रेमी है, उसका फॉलोअर है ये। और ये मोब भी जो थी उन प्रेमियों की थी जिन्होंने ये जो तब जाम लगाया था, तब उन्होंने वो ये सब रॉइटिंग वगैरह जो की थी उन्होंने। कितनी बसें वगैरह आग लगाई थी? कितनी बसें आग लगाई? सरकारी तो एक थी, बाकी जो 2-3 प्राइवेट थी वो जलाई थी। ये महेंद्रपाल जी बिट्टू है, ये कहाँ का रहने वाला जी है? सॉरी, इसकी मुझे नॉलेज नहीं है। तो और क्या मतलब कि केस में और क्या है अभी? ये उन्होंने अभी पूछगिछ करनी है, अभी 5 दिन का रिमांड दिया है ऑनरेबल कोर्ट CJM ने, और 5 दिन में ये पता करेंगे कि इनके साथ वाले अक्यूज़ क्या हैं और क्या इसके खिलाफ कोई मुकदमे में किसी और मुकदमे की इसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो उसके लिए ये 5 दिन का रिमांड दिया।